फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हो ये गुलाब का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। आप लोग एक बार फ्लावर का क्वालिटी चेक कर सकते हो और उसका कलर भी चेक कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग हुआ है। फ्रेंड्स, अभी तो विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है, इस विंटर सीजन पे ही गुलाब का प्लांट सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग घर पे गुलाब का प्लांट लगाना चाहते हो या गुलाब का प्लांट लगाना पसंद करते हो, उन सभी लोगों के मन में एक ही डाउट रहता है कि नर्सरी से प्लांट को खरीदने के बाद इस प्लांट का प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे कर सके, प्लांट का सॉइल कैसे तैयार कर सके और नर्सरी जैसा ही हेल्दी प्लांट और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फ्लावर कैसे ले सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे ही है। आज इस वीडियो पे मैं गुलाब के प्लांट के बारे में आप लोगों के मन में जितना भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा और एक प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग पे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए अच्छे से सॉइल प्रिपेयर करना है। अभी मैं इधर 50% प्लेन गार्डन सॉइल यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 30% सिटी कॉम्पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब लोग भार्मी कॉम्पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं 10% कोकोपीट ऐड करूँगा, क्योंकि कोकोपीट ऐड करने से सॉइल हल्का रहता है, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है और कोकोपीट जितना पानी एब्जॉर्ब करके रखता है वो प्लांट के हिसाब से प्रोवाइड करता है, इसलिए रूट अच्छे से डेवलप हो पाता है और प्लांट हेल्दी रहता है। उसके बाद मैं 8% बोन मील ऐड करूँगा। इधर मैं 2% नीम खोल का यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, बोन मील और नीम खोल यूज़ करने से प्लांट का ग्रोथ और फ्लावर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर ऐड करूँगा। कोई भी कीट वगैरह प्लांट का जो रूट है उसको खराब ना कर सके, इसलिए पायरेवन डस्ट मैं इधर ऐड करूँगा। अभी मैं इन सभी चीज़ को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब कोई भी प्लांट लगाइए, एक हेल्दी क्वालिटी का प्लांट तैयार करने के लिए पहले तो अच्छे से सॉइल प्रिपेयर करना है, क्योंकि सॉइल प्रिपेयर नहीं होगा तो हेल्दी क्वालिटी का प्लांट भी नहीं तैयार होगा और प्लांट कुछ दिन बाद ख़राब भी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करके आगे तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप लोग फ्लावर का क्वालिटी चेक कर सकते हो, इतना छोटा सा प्लांट पे बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग हुआ है। फ्रेंड्स, अभी मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूंगा एक दूसरी पॉट पे। एक छोटा सा ब्लेड की मदद से मैं इस नर्सरी ग्रो बैग को कट के मैं इस प्लांट को अलग कर लूंगा। प्लांट का साइज के हिसाब से पॉट चूज करना है। इधर मैं प्लांट का साइज छोटा है इसलिए मैं 8-8 पॉट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 8-8 पॉट का यूज़ करने से प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाता है। पहले से जो मैं सॉइल तैयार किया था उसी सॉइल को मैं इस पॉट के अंदर थोड़ा सा ले लूँगा, फिर मैं इस प्लांट को पॉट के अंदर अच्छे से पोजिशन करके बाकी के सॉइल से फिल कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। कोई भी फंगस वगैरह प्लांट को ख़राब ना कर सके, इसलिए वाटरिंग करने के टाइम मैं थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर में पानी में ऐड करके इस प्लांट पे स्प्रे करूँगा और अच्छे से वाटरिंग करूँगा। रिपॉट करने के बाद एक हफ्ते तक इस प्लांट को छाव पे रखना है, उसके बाद इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। अभी मैं इस प्लांट का केयर के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसा भार्मी कॉम्पोस्ट, सिटी कॉम्पोस्ट, हॉर्न मिल, बोन मिल, नीम खोल इस प्लांट पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने से प्लांट का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हर 2 दिन में एक बार अच्छे से वाटरिंग करना है और महीने में एक बार 500 ml पानी में 2 ग्राम फंगिसाइड पाउडर और 2 ml नीम ऑयल एक साथ मिक्स करके प्लांट पे स्प्रे करने से कोई भी फंगस और कीट वगैरह इस प्लांट को ख़राब नहीं कर पाएगा और प्लांट हेल्दी भी रहेगा। उसके बाद भी आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है और
कीट वगैरह प्लांट को खराब कर रहा है, तो उस टाइम कौन सा फर्टिलाइजर और कौन सा मेडिसिन प्लांट पे डालना है उसका मैं अलग सा वीडियो तैयार कर दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो पे इतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर भी आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों की डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।